नमस्कार, डिटेल्स मुख्य समाचार में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में देखेंगे केंद्र और राज्य सरकारों की बड़ी घोषणाएं, बड़े ऐलान, नए नियम, नए कानून, छुट्टियां, मौसम, नौकरियां समेत देश विदेश और आपके राज्य की 50 बड़ी खबरें। रूस ने भारत के लिए फिर दिखाई बड़ी दोस्ती। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने यूएनएससी में भारत की स्थायी सीट की मांग करते हुए कहा, भारत का हक था जो अब मिलना चाहिए। पीएम मोदी ने 5 राज्यों में 6100 करोड़ की लागत से 7 एयरपोर्ट प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन किया, जिनमें 3 नए एयरपोर्ट शामिल हैं। इससे 2.3 करोड़ पैसेंजर्स को फायदा मिलेगा। वाराणसी में 6700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते हुए मोदी ने भ्रष्टाचार और परिवारवाद मिटाने का संकल्प लिया। पीएम मोदी ने वाराणसी में आए अस्पताल का किया उद्घाटन। बिहार के लिए भी संकरा हॉस्पिटल खोलने की मांग की। इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें एडिशन में 5G रोबोटिक डॉग रॉकी पेश किया गया, जो आग, गैस रिसाव जैसी आपात स्थितियों में अलर्ट मैसेज भेजेगा। इसके अलावा खराब फसल की निगरानी करने वाले रोबोट और बच्चों की सुरक्षा के लिए ट्रैकिंग डिवाइस समेत कई इनोवेटिव टेक्नोलॉजी प्रदर्शित की गई। 120 देशों के 400 से ज्यादा एग्जीबिटर शामिल हुए। हेल्थ इंश्योरेंस नियमों में बदलाव से अब नॉन नेटवर्क अस्पतालों में भी बिना एडवांस पेमेंट कैशलेस ट्रीटमेंट मिलेगा। प्री अप्रूवल प्रोसेस से बीमा कंपनियों को सूचित कर इलाज कराया जा सकता है। इमरजेंसी में 24 घंटे के भीतर मंजूरी लेनी होगी। सरकार 20 लीटर पानी की बोतल, साइकिल और बच्चों की नोटबुक पर GST घटाने की योजना बना रही है, जबकि घड़ियों और जूतों पर 10% टैक्स बढ़ सकता है। 5 लाख रुपए बीमा पर भी GST छूट संभव है। महाराष्ट्र भाजपा की 99 कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट, 89 पुराने, इनमें 10 SC ST, 13 महिलाएं, 3 निर्दलियों को भी टिकट। फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से लड़ेंगे। दिल्ली के रोहिणी में CRPF स्कूल के पास कल सुबह धमाका, CCTV में कैद हुआ। कोई घायल नहीं, लेकिन स्कूल की दीवार, दुकानें और कारें क्षतिग्रस्त। फोरेंसिक एक्सपर्ट्स ने क्रूड बम की आशंका जताई। NIA NSG जांच में जुटी, गृह मंत्रालय ने रिपोर्ट मांगी। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों में H-1B वीजा अब बीते दिनों की बात है, अब फोकस आर्थिक और रणनीतिक साझेदारी पर है। अमेरिका दौरे पर CEO से भी मिले। बांग्लादेश के जटिल आंतरिक हालात और यूनुस सरकार की विदेश नीति भारत के लिए चिंता का विषय है। भारत स्थिति पर नजर रखे हुए है, राजनीतिक घटनाक्रम में अपने हित सुनिश्चित कर रहा है। भारतीय आसमान सुरक्षित, डरे नहीं यात्री। 70 विमानों को बम की धमकी के बीच BCAS महानिदेशक ने की बड़ी अपील। नितिन गडकरी ने अधिकारियों पर तंज कसते हुए कहा, गूगल देखकर सड़क का DPR बना देते हैं। उन्होंने दावा किया कि 2047 तक भारत की सड़कें अमेरिका से बेहतर होंगी। आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लाइक और कमेंट के लिए दिल से शुक्रिया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सब्जियों की कीमतों में भारी अंतर को कम करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा समिति गठित करने का ऐलान किया। अगले महीने कृषि चौपाल भी शुरू होगी। आपने भाजपा पर आरोप लगाया कि यूपी से यमुना में गंदा पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे दिल्ली में झाग बन रहा है। BJP ने पलटवार करते हुए 1000 करोड़ प्रदूषण टैक्स का हिसाब मांगा। बिहार में जहरीली शराब पीकर मरने वालों के परिवार को 4 लाख का मुआवजा तभी मिलेगा जब वो शराब ना पीने की शपथ लेंगे, नीतीश सरकार ने ये शर्त रखी है। कोलकाता रेप मर्डर, ममता की डॉक्टरों से अपील, अनशन खत्म करें, सभी लोगों को एक साथ नहीं हटा सकते, राजनीति से ऊपर उठकर काम पर लौटें। महाकुंभ 25 में श्रद्धालुओं से विनम्र व्यवहार के लिए पुलिस कर्मियों को 7 प्रकार की इन डेप्थ ट्रेनिंग मिलेगी। भाषिनी ऐप के जरिए अलग अलग भाषाएं समझने और गाइड करने की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। अब यूपी में बिजली बिल या मीटर की समस्या के लिए कार्यालय के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। UPPCL ने ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने की फेसलेस व्यवस्था 15 नवंबर से शुरू की। CRPF स्कूल ब्लास्ट पर CM आतिशी का तीखा हमला, कहा दिल्ली में कानून व्यवस्था पूरी तरह फेल, हालात 90 के दशक के मुंबई अंडरवर्ल्ड जैसे हो गए हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर कांग्रेस CEC की कल की बैठक रद्द, जिसमें कैंडिडेट्स की पहली लिस्ट आनी थी, अब बैठक आज होगी। MVA में 200 सीटों पर सहमति, चुनाव 20 नवंबर को। जम्मू कश्मीर के बारामूला में सुरक्षा बलों ने एक आतंकी मार गिराया, इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी, पुंछ में 9 आतंकी गिरफ्तार। योगी सरकार महाकुंभ में 56 थानों और 155 चौकियों के साथ 7 स्तरीय सुरक्षा चक्रव्यूह बनाएगी, जिसमें 37,000 पुलिसकर्मी तैनात होंगे। 10 सुरक्षा ऑपरेशन भी मेला अवधि में चलाए जाएंगे। बम की धमकी, आज 20 फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग, 7 दिन में 90 विमानों में बम की धमकी, केंद्र ने DGCA प्रमुख को हटाया। दिल्ली की CM आतिशी ने आनंद विहार में वायु प्रदूषण का जायजा लिया, यूपी से आने वाली बसों को प्रदूषण का कारण बताया। दिवाली से पहले AQI 454, हवा गंभीर स्थिति में पहुंची। 2025 में संभावित जातीय जनगणना में मुसलमानों की जातियां भी गिनी जाएंगी। RSS ने कहा कि वो जातीय जनगणना के खिलाफ नहीं है, पर इसका राजनीतिक लाभ ना उठाया जाए। CM धामी ने नीति आयोग संघ बैठक में हिमालय राज्यों की विशेष परिस्थितियों के अनुरूप नीतियां बनाने पर जोर दिया, पलायन, आपदा प्रबंधन, जंगल की आग और फ्लोटिंग पॉपुलेशन पर भी चर्चा की।
कुल्लू दशहरा समापन पर सीएम सुक्खू ने देवी देवताओं के नजराने में 5% और बंजतरियों के भत्ते में 20% की वृद्धि की घोषणा की। साथ ही बांटड़ा दशहरे के लिए 3 लाख रुपए और कुल्लू में 100 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास किया। रांची में राहुल गांधी ने बड़ा दांव खेला। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लेकर आदिवासियों को लुभाने की कोशिश की। उन्होंने बीजेपी पर आदिवासियों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए जातिगत जनगणना और ओबीसी मुद्दे को भी उठाया। हिमाचल सरकार दिवाली से पहले 6 लंबित पोस्ट कोड के रिजल्ट जारी करेगी, जिनमें JOAIT, कॉपी होल्डर, वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर और साइकोलॉजिस्ट के पद शामिल हैं। सीएम सुक्खू ने योग्यता आधारित रोजगार का वादा किया। राष्ट्रपति मुर्मू ने मलावी में कला, संस्कृति, खेल और फार्मास्यूटिकल सहयोग पर कई MOU साइन किए। भारत ने स्थायी कृत्रिम अंग फिटमेंट केंद्र की स्थापना में भी समर्थन की घोषणा की। बिजली बिलों से छुटकारा पाने के लिए सोलर पैनल लगाएं। पीएम सूर्य योजना के तहत सरकार सब्सिडी दे रही है। ग्रिड से जुड़े रूफटॉप सोलर प्लांट लगाकर मुफ्त बिजली का लाभ उठाएं और खुद बिजली उत्पादक बनें। हिमाचल में इंदिरा गांधी प्यारी बहना योजना के तहत 443 महिलाओं के आवेदन नगर निगम के प्रस्ताव के अभाव में वापस किए गए। अब नए सिरे से आवेदन करना होगा। योजना में 1500 रुपए प्रति माह मिलेंगे। योगी सरकार के मंत्री OP राजभर ने जालौन में बयान दिया कि यूपी में जल्द शराबबंदी लागू हो सकती है, जिससे राजनीतिक हलचल तेज हो गई। भारत बोला कनाडा की बॉर्डर पुलिस में खालिस्तानी आतंकी शामिल, ISI के साथ भी संबंध है, इस पर शौर्य चक्र विजेता की हत्या का आरोप। कश्मीर मैराथन में सीएम उमर 2 घंटे में 21 किलोमीटर दौड़े, कहा स्ट्रेस मिटाने के लिए ड्रग्स की जरूरत नहीं, दौड़ काफी है। DGCA प्रमुख को कोयला सचिव बनाया गया। उमाशंकर सड़क परिवहन व राज्य मार्ग सचिव नियुक्त हुए। तन्मय कुमार को पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का सचिव बनाया गया। करणी सेना अध्यक्ष ने की लॉरेंस के एनकाउंटर की मांग। गुजरात में राज शेखावत बोले केंद्र सरकार ऐसे गैंगस्टर को पनाह क्यों दे रही है। प्रियंका 23 अक्टूबर को वायनाड में नामांकन दाखिल करेंगी, फिर रोड शो निकालेंगी, राहुल भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी ने नाव्या हरिदास को उतारा। कैथल में डेंगू का प्रकोप बढ़ रहा, 14 नए केस मिले। स्वास्थ्य विभाग डोर टू डोर सर्वे कर लार्वा जांच रहा। बुखार से पीड़ितों के सैंपल लिए जा रहे हैं। हरियाणा के 10 जिलों में 112 डायलिसिस मशीनें मुफ्त होंगी, जिससे मरीजों को महंगे इलाज से राहत मिलेगी। PGI रोहतक में 12 मशीनों के साथ 24 घंटे सेवा उपलब्ध। दीपोत्सव 2024 भगवान राम पर आधारित झांकियां बनेंगी आकर्षण का केंद्र, कार्यक्रम को भव्य बनाने में जुटा अयोध्या प्रशासन। बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में 10वीं गिरफ्तारी, नवी मुंबई से भगवंत सिंह पकड़ा गया, मर्डर के लिए हथियार लेकर उदयपुर से मुंबई आया था। उपराष्ट्रपति धनखड़ ने कहा कि बच्चों में विदेश जाकर पढ़ाई की नई लहर देश के लिए ठीक नहीं। 2024 में 13 लाख छात्रों का विदेश जाना चिंता का विषय है, शिक्षा व्यापार नहीं बननी चाहिए। मौसम अपडेट, अक्टूबर में ठंड की भविष्यवाणियां फेल, औसत तापमान सितंबर से 2 डिग्री ज्यादा, मौसम विभाग का अनुमान सर्दी में तापमान से टेम्परेचर कम रहेगा। चमोली में मुसलमानों के बहिष्कार पर अज़दुद्दीन ओवैसी भड़ गए, कहा कि मुसलमानों को अछूत बनाया जा रहा है। गांव ने मुस्लिम परिवारों को 31 दिसंबर तक छोड़ने का फरमान जारी किया। राजस्थान के धौलपुर में सड़क हादसा, 12 की मौत, तेज रफ्तार बस ने टेम्पो को मारी टक्कर, शादी समारोह से लौट रहा था परिवार। ज्ञानवापी, 25 अक्टूबर को कोर्ट का फैसला तय करेगा लॉर्ड विशेश्वर बनाम अंजुमन इंतजामिया केस का अंजाम, ज्योतिर्लिंग का सच भी आएगा सामने। ड्रोन अटैक के जवाब में इसराइल का बेरूत पर हमला, दहिये इलाके को खाली करने के आदेश, PM नेतन्याहू बोले हिजबुल्ला ने बड़ी गलती की। अमेरिका से इसराइल की खुफिया जानकारी लीक, इनमें ईरान पर इसराइली पलटवार से जुड़े सीक्रेट डॉक्यूमेंट टेलीग्राम पर एक चैनल ने पोस्ट किए। तो दोस्तों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। इस तरह की डेली वीडियो कंटिन्यू रखने के लिए हमें आपके समर्थन की जरूरत है, कृपया इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो पर कम से कम 1000 लाइक देंगे। आप देख रहे थे जी चिल्स, जल्द पूरे होंगे आपके सारे विल्स।